तरीके से देखते हैं कि आर्यन को शाहरुख का बेटा होने के लिए ये सजा दी जा रही है, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। देखिए शाहरुख खान का बेटा आर्यन, थोड़ा और आवाज नहीं आ रही, क्या बोलूं मैं इसमें, अरे बोलने दो नहीं, अरे उनका मुंह है ढक जाएगा तो क्या उनको बोल के फायदा होगा। नौटंकी करते रहते हो तो अपने पास से नहीं हो, नौटंकी कर रहे हो। देखिए मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। शाहरुख का बेटा हो या मोदी जी का बेटा हो, खैर मोदी जी का तो बेटा है ही नहीं, उनको बेटा कहाँ से होगा। मैं कह रहा हूँ कि जिनको बेटा होता है उनको रहम होता है, दर्द होता है। तो बेटा अगर गलती किया है तो एक मेरा भी बेटा गलती करेगा तो कोर्ट है, गलती गलत होता है। अगर मेरा बेटा किसी को जान मार देगा तो क्या करेंगे हम, छोड़ देंगे क्या? तो जो निर्णय कोर्ट लेगा, मामला चल रहा है लेकिन, और देखिए बेटन बात कीजिए, कोर्ट पे विश्वास है सबको, क्या लगता है? तो मैं क्या बोलूँगा, आपका ही बयान है कि अडानी के कोर्ट पे करोड़ों का हीरोइन पकड़ा है। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि देखिए यदि शाहरुख के बेटे पर कार्रवाई हो रही है तो अदानी पे क्यों नहीं? तो अदानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ का अगर ड्रग्स पकड़ाता है और मालामाल हो जा रहा है, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शाहरुख का बेटा हमसे क्या मतलब है उनको, उनका बेटा वो समझेगा, मेरा तो बेटा नहीं है। लेकिन मुझे, मैं कहना चाहता हूँ, ड्रग्स ये नर्कोटिक्स नहीं लेना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। बीइंग डॉक्टर स्वस्थ रहिए, कहाँ खाइए पिए आप, एक्टर का बेटा है क्या कमी है आपको, कहाँ ये सब होलझुल में फंस जाते हैं आप लोग। लेकिन जो मामले आ रहे हैं कोर्ट पे, मामला लंबित है, कोर्ट का जो फैसला होगा मानेंगे। देखिए एनसीपी निकम्मी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है भ्रष्टाचारियों को हेल्प कर रही है, भाजपा के पास मुद्दा नहीं है और झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारा पैसा सुनिए हमारा पैसा रोक दिया गया, टैक्स का पैसा रोक दिया, जीएसटी का पैसा रोक दिया। ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अगर सर्वाइव करा रहे हैं झारखंड को तो यही बहुत बड़ी बात है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो भ्रम फैलाई थी उसके बाद भी देश की जनता ने 100 करोड़ टीका ले लिया, 100 करोड़ लोगों ने, इसके लिए उत्साह मनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास तो मुद्दा नहीं है, आपने देखा होगा कि किस तरह से बेरहमी के साथ लोगों को मारा जा रहा है, किसान भाइयों तक कोई लोग नहीं छोड़ रहा है। तो उनके पास मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दा हम लोग, समय आ रहा है, बताएंगे मुद्दा कैसे घेरेंगे भाजपा को हम लोग। बयान को किस तरीके से देखते हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने एफआईआर कराया है, फिर से सरकार गिराने की साजिश वाली बात आ रही है। मैं तो ये बात आप मुझसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आर्यन खान के बारे में क्या कहना है? पूर्व पीड़ित आप ही थे कांग्रेस के तरफ। नहीं नहीं, मुझे देखिए, मैंने पहले भी कहा कि सूरज पूरब से उगता है, लोग अगर पूरब से भी पश्चिम में उग जाए सूरज तो लोग भी मान लेगा। लेकिन इरफान अंसारी कभी भाजपा में नहीं जा सकता, क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा दुश्मन इरफान अंसारी है। अच्छा, और हो सकता है कि, मेरी बात सुनिए, अभिमन्यु है ना, चक्रव्यूह में फंस जाता था कभी कभी, तो इरफान अंसारी को पूरा भाजपा है चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ,